हाई, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ और मैं हूँ प्रतिभा कटारिया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की बच्चन पांडे होली के मौके पर यानी 18 मार्च 2022 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को काफी उम्मीद थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। हालांकि अक्षय कुमार ने खुद ये कहा है कि अनुपम खेर की द कश्मीर फाइल्स ने उनकी फिल्म को डुबा दिया। ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि क्या अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्में उनके डूबते करियर को बचा पाएंगी। तो आइए इस वीडियो में एक नजर डालते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज पर। बड़े मियां छोटे मियां, सुल्तान और टाइगर जिंदा है के निर्देशक अली अब्बास जफर ने बड़े मियां छोटे मियां के लिए अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को चुना है। मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए इसकी कंफर्मेशन दी थी। दोनों स्टार्स को बड़े पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प रहेगा। क्रैक, नीरज पांडे ने फिल्म क्रैक के लिए अक्षय कुमार को बुक कर लिया है। इस फिल्म का फैन बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। गोरखा, अक्षय कुमार की गोरखा रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म होगी। उन्होंने लास्ट ईयर दशहरे पर फिल्म गोरखा की अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार जबरदस्त किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जो फैंस को जरूर पसंद आने वाला है। हेरा फेरी 3, हेरा फेरी और हेरा फेरी 2 की सक्सेस के बाद अक्षय कुमार की इस फिल्म के तीसरे पार्ट के लिए फैंस भी बेताब हैं। हालांकि फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। मिशन सिंड्रेला, अक्षय कुमार की मिशन सिंड्रेला एक साइको थ्रिलर फिल्म है। इसे लेकर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिल्म को लंदन में शूट किया गया है। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में दिखाई देंगी। आपको बता दें, रकुल प्रीत सिंह इस फिल्म में एक कॉप का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाली हैं। ओ माई गॉड 2, अक्षय कुमार ने कुछ दिन पहले ही ओ माई गॉड 2 की अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी भी नजर आने वाले हैं। फिल्म में अक्षय कुमार का लुक काफी इंटरनेट पे वायरल भी हो रहा है। पृथ्वीराज, चंद्र प्रकाश द्विवेदी की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज में अक्षय कुमार एक अहम किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म में एक्टर के साथ संजय दत्त, सोनू सूद और मानुषी छिल्लर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 3 जून 2022 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए एकदम तैयार है। रक्षा बंधन, अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर फिल्म रक्षा बंधन के लिए एक बार फिर से साथ में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म का डायरेक्शन आनंद LR ने किया है। फिल्म इस साल अगस्त के महीने में रिलीज होने के लिए तैयार है। राम सेतु, ईयर 2020 में दिवाली के खास मौके पर अक्षय कुमार ने फिल्म राम सेतु की अनाउंसमेंट की थी। एक्टर ने फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, इस फिल्म को इसी साल थिएटर में रिलीज किया जाएगा। सेल्फी, अक्षय कुमार और इमरान हाशमिन फिल्म सेल्फी में साथ में दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग दोनों एक्टर्स ने शुरू कर दी है। इस मूवी में डायना पेंटी और नुसरत बुरुचल लीड रोल में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें, ये फिल्म मलयालम सुपरहिट द ड्राइविंग लाइसेंस का हिंदी रीमेक है। सुरारई पोत्रू, साउथ सुपरस्टार सूर्य स्टारर सुरारई पोत्रू के रीमेक में अक्षय कुमार नजर आएंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार के ऑपोजिट राधिका मदान दिखाई देंगी। वेल, ये थी अक्षय कुमार की कुछ अपकमिंग मूवीज। वी होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ।